हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 नवंबर। 21 नवंबर के करंट अफेयर्स में काफ़ी कुछ है खास। आप जान लेंगे करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए इसको दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बना लें। अब पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। किस राज्य सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना बनाई है? बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा या असम ने? इसमें क्या है, इसमें अरुंधति स्वर्ण योजना है क्या चीज? तो यह योजना बनाई गई है लड़कियों के लिए, जहां उनके शादी में 10 ग्राम सोना सरकार देगी। हर दुल्हन को सरकार की तरफ से 10 ग्राम सोना दिया जाएगा, यही है अरुंधति स्वर्ण योजना। तो किसने करा? बिहार ने, मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने या असम ने? तो आपको बता दें, असम सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है। असम सरकार ने यह योजना लाई है, अरुंधति स्वर्ण योजना, जिसमें हर दुल्हन को 10 ग्राम सोना दिया जाएगा और 20 नवंबर को इसकी घोषणा हुई है। आपको बता दें, अभी असम के मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और राजधानी है दीसपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यूएई के राष्ट्रपति शेख सुल्तान बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया है और यह कब हुआ? 18 नवंबर को, 17 नवंबर को, 16 नवंबर को या 21 नवंबर 2019 को? तो आपको बता दें, यूएई के राष्ट्रपति शेख सुल्तान बिन जायद अल नाहयान का निधन 18 नवंबर को हो गया है। 18 नवंबर को इनका निधन हो गया है। और जब यूएई की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान ले। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, वहां पे दिरहम चलता है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे ही वहां दिरहम चलता है, और महत्वपूर्ण शहर है दुबई। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जनगणना 2021 कितनी भाषाओं में होगा? 11 में, 16 में, 20 में या 33 में? आपको बता दें, 2021 की जनगणना होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण। इसके कई कारण है। पहला कारण यह है कि इसमें पहली बार जनगणना के लिए मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल होगा पेपर के साथ साथ। और आपको बता दें, यह जनगणना 16 भाषाओं में होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर, 20 नवंबर, 19 नवंबर या 18 नवंबर को? तो आपको बता दें, वैसे तो 2003 से विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 को इसको मान्यता मिली, जिसकी वजह से 19 नवंबर को मनाया जाता है शौचालय दिवस। और आपको बता दें, विश्व शौचालय संगठन के संस्थापक हैं जैक सिम, और उनके अनुसार इन पिछले 5 साल में भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा टॉयलेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा करा। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया है। पांचवा प्रश्न है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के मामले में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो सही आंसर है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म विभूषण? तो इसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार दिया जाता है उस योगदान के लिए जिसमें भारत का एकता और अखंडता निहित हो। आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद हिंदुस्तान के पहले गृह मंत्री थे और इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी राज्यों को जोड़ने में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य में वर्चुअल कक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है? उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो डिजिटल बनाने को लेकर ज़्यादा हमारी सरकार सजग है, और सबसे पहला राज्य बन गया है जिसने वर्चुअल कक्षा परियोजना का शुरुआत करा है, वह है उत्तराखंड।
अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 59वां, 49वां, 39वां या 29वां। तो सही आंसर है 59वां। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस अभियान शुरू किया है, गुजरात में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। सांस अभियान है क्या, तो काफी नवजातों की मृत्यु हो जाती थी निमोनिया की वजह से, इसकी रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया गया है और इसका शुरुआत करी गई है गुजरात से। तो सही आंसर है गुजरात। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किस सरकार द्वारा दार्जिलिंग की ग्रीन टी एवं व्हाइट टी चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको बता दें, दार्जिलिंग सबसे अच्छे चायों के लिए जाना जाता है और वहां की ग्रीन टी और व्हाइट टी चाय को जीआई टैग दिया गया है। किस सरकार द्वारा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। अब हमने जितने प्रश्नों को ऊपर देखा उसको एक बार रिवाइज करते हैं ताकि वीडियो खत्म होते होते आपको सारे प्रश्न याद हो जाए। किस राज्य सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना बनाई है, असम राज्य सरकार ने, यूएई के राष्ट्रपति शेख सुल्तान बिन जायद अल नाहियान का निधन कब हो गया, 18 नवंबर 2019, जनगणना 2021 कितनी भाषाओं में होगी, 16 भाषाओं में, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को, भारत अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के मामले में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार। किस राज्य में वर्चुअल कक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है, तो उत्तराखंड में। 8वां है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 59वां। कौन से राज्य में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस अभियान का शुरुआत करा है, गुजरात में। और 10वां, किस सरकार द्वारा दार्जिलिंग की ग्रीन टी एवं व्हाइट टी चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। अब आप देखें कि आउट ऑफ 10 आपको कितने प्रश्न याद हो गए हैं, कमेंट कर जरूर बताएं आउट ऑफ 10 कितने प्रश्न याद हुए। किस राज्य सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना बनाई है, ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी असम। दूसरा प्रश्न है, यूएई के राष्ट्रपति शेख सुल्तान बिन जायद अल नाहियान का निधन कब हो गया, ए 18 नवंबर, बी 17 नवंबर, सी 16 नवंबर, डी 21 नवंबर। तीसरा प्रश्न है, जनगणना 2021 कितनी भाषाओं में होगी, ए 11, बी 16, सी 20 या डी 33। चौथा प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ए 17 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 19 नवंबर या डी 18 नवंबर। पांचवा प्रश्न है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्कूलों के मामले में कौन से स्थान पर है, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। और छठा प्रश्न है, भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार, बी भारत रत्न, सी पद्म श्री, डी पद्म विभूषण। और सातवां प्रश्न है, किस राज्य में वर्चुअल कक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है, ए उत्तराखंड, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आठवां प्रश्न है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है, ए 59वां, बी 49वां, सी 39वां या डी 29वां। नवा प्रश्न है, कौन से राज्य में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस अभियान का शुरुआत किया है, ए गुजरात, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। 10वां प्रश्न है, किस सरकार द्वारा दार्जिलिंग की ग्रीन टी और व्हाइट टी चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ए पश्चिम बंगाल, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। ये हमारे 10 प्रश्न थे। आउट ऑफ 10 आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाए, कमेंट कर जरूर बताएं। और जैसा मैंने कहा कि करेंट अफेयर्स को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना ले अगर किसी भी एग्जाम में सफलता पाना है तो, क्योंकि करेंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।